कुशीनगर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे। महिला फरियाद कर रही थी, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते रहे। फरियादी महिला का ये वीडियो वायरल हुआ तो सपा ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को घेरना शुरू कर दिया है। सपा नेता जूही सिंह ने वीडियो को ट्वीट कर स्वतंत्र देव सिंह पर सीधा हमला किया। इक्कीस सेकंड के इस वीडियो पर सियासत आई है। इन तस्वीरों पर सपा ने भाजपा पर सवाल उठाए हैं। कुशीनगर से सामने आई इन तस्वीरों पर राजनीति की वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सामने इस महिला की फरियाद सुन लीजिए। आरोप बेहद गंभीर है। महिला फरियाद करती रही, लेकिन मंत्री जी बिना कुछ सुने आगे बढ़ गए। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कमरे से बाहर निकले तो एक महिला लेटर लेकर चौकी इंचार्ज के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची। स्वतंत्र देव सिंह को शिकायत पत्र भी सौंपा, लेकिन बिना पढ़े शिकायत पत्र दूसरे शख्स को उन्होंने सौंप दिया। महिला ने अपने इलाके के चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाया। चौकी इंचार्ज 15 साल की लड़की को अपने पास भेजने को कह रहा है, रोज परेशान कर रहा है। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह बिना कुछ सुने आगे बढ़ गए और अपनी गाड़ी में बैठ गए। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की असंवेदनशीलता पर सपा ने सवाल खड़े किए हैं। सपा नेता जूही सिंह ने इस वीडियो को ट्वीट करके हमला बोला है। जूही सिंह ने ट्वीट में लिखा कि महिलाओं के प्रति इतनी संवेदनहीनता क्या किसी जनप्रतिनिधि को शोभा देती है? क्या सत्ता और कुर्सी इतना कठोर और निर्मम कर देती है, या यही वास्तविक चरित्र है? बाकी सब मुखौटा। महिला की फरियाद पर मंत्री जी को गुस्सा आना तो दूर, उन्होंने संज्ञान तक नहीं लिया, न ही पूरी बात सुनी। आराम से कार में बैठे और आगे निकल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रेलवे क्रॉसिंग पर तमाम इंतजाम कर लिए जाएं, लेकिन लापरवाही ऐसी कि ये इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। अलीगढ़ में फाटक का गेट बंद था, ट्रेन गुजरने वाली थी कि नो एंट्री में एक रिक्शा चालक घुस गया। इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। उधर फिरोजाबाद से भी लापरवाही की इंतहा की तस्वीर सामने आई है। महिला रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, चंद सेकंड की देरी होती तो फिर हादसा हो जाता। अलीगढ़ में रिक्शा चालक की लापरवाही। मौत के मुंह से बचा रिक्शा चालक। ऐसी लापरवाही घातक, मौत को सीधी दावत। फिरोजाबाद में लापरवाही की इंतहा, चंद सेकंड की देरी में चली जाती जान। मौत को सीधी दावत देने वाली ये दो तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। सबसे पहले अलीगढ़ की इन तस्वीरों को देखिए। रेलवे फाटक बंद है, नो एंट्री में एक रिक्शा चालक घुसता है, पटरी पार करने की कोशिश करता है। उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। ट्रेन वहां से गुजरी, रिक्शा चपेट में आ गया। गनीमत रही कि चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई। आरपीएफ ने रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन लापरवाही की ये तस्वीर बेहद घातक साबित हो सकती थी। मौत को दावत देने वाली एक और तस्वीर फिरोजाबाद से सामने आई है। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक महिला एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए ट्रैक पार कर रही थी, तभी अचानक वहां से ट्रेन गुजरी। रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों ने भागकर महिला की जान बचाई। चंद सेकंड की देरी होती तो महिला की जान चली जाती। लापरवाही की इंतहा बस इतनी भर नहीं है। महिला को कर्मचारी ने खींचकर स्टेरिंग पर चढ़ाया। महिला को रेलवे कर्मचारी ने एक बार तो बचा लिया, लेकिन उसके बाद महिला फिर से मौत के पास चली गई, वो भी बस पानी की बोतल के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।